लेकिन यहाँ पे दो रैकेट्स हैं, वो है योनिक्स एस्ट्रॉक स्मैश। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन पुरी पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और आज का टाइटल है टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 2000 रुपीज़। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये रैंकिंग जो है ये स्ट्रिक्टली सेल्स और पॉपुलैरिटी पे जो है बेस्ड है, और वीडियो में कहीं भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, और रैकेट नंबर 5 है एपेक्स फिनेपी 232। तो कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम शुरू करें तो रैकेट का वेट जो है 86 ग्राम्स है, प्लस माइनस 1-2 ग्राम्स, और 4U कैटेगरी का ये रैकेट है। वहीं इसकी शाफ्ट जो है वो 7.5 मिलीमीटर्स की शाफ्ट है, और अगर बात करें हम इसकी स्ट्रिंग टेंशन की तो 38 LBs तक की स्ट्रिंग टेंशन है, मतलब आप किसी भी तरह की जो है स्ट्रिंग जो है इसमें ले सकते हैं। और बैलेंस की बात करें तो रैकेट जो है वो इवनली बैलेंस्ड है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी मीडियम है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि इवनली बैलेंस्ड है तो मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल तक के प्लेयर्स जो है ही उसको यूज़ करें। और अगर ग्रिप की बात करें तो ग्रिप है G1 G2। बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की तो नेट के आसपास रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मिडल ऑफ़ द कोर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप थर्ड लाइन टू थर्ड लाइन बिल्कुल एकदम क्रंच शॉट अगर मारना चाहते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है अगर आप एक एवरेज प्लेयर हैं। हालांकि आप पीछे कोर्ट तक तो पुश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो अगर आपको एफर्ट और थोड़ा पावर का मिक्सचर अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप थर्ड लाइन क्लियर एक अच्छे से कर सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं रैकेट की प्राइस की तो ये शुरू हो जाता है 1900 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। और अभी इस वक्त अगर आप जाएंगे देखेंगे अमेज़ॉन पे तो काफ़ी अच्छी डील्स हैं काफ़ी सारे रैकेट्स पे, सिर्फ इसी पे नहीं। तो जो भी आपका मनपसंद रैकेट हो एक बार आप लिंक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बात करें रैकेट नंबर 4 की तो ये मेरे वन ऑफ़ द फेवरेट रैकेट्स में से एक है, और वो है योनिक्स मसल पावर 29 लाइट। जी हाँ, और ये रैकेट अवेलेबल है 3U 4U दोनों कैटेगरीज़ में, और बढ़िया बात ये है कि जो लेटेस्ट अपडेट है कि 3U कैटेगरी और 4U कैटेगरी अब दोनों आपको 30 LBs में अवेलेबल हो जाते हैं। बैलेंस की बात करें तो इवनली बैलेंस्ड है, शाफ्ट की बात करें तो मीडियम स्टिफ शाफ्ट है। तो अगर आप 3U कैटेगरी का रैकेट लेते हैं 30 LBs की स्ट्रिंग टेंशन है तो मतलब आपके पास काफ़ी वैरायटी हो जाती है स्ट्रिंग्स की। वहीं मीडियम स्टिफ है तो एक्यूरेसी जो है वो आपकी बेटर हो जाती है, और क्योंकि 3U कैटेगरी मतलब थोड़ा हैवियर है तो आपको थर्ड लाइन क्लियर जो है वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा मीडियम स्टिफ होने की वजह से तो एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, तो नेट के आसपास जो है आपको अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें 4U की, डेफिनेटली थोड़ा लाइट है, तो अगर आप सही एफर्ट और सही पावर का यूज़ करें तो थर्ड लाइन क्लियर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हालांकि नेट के आसपास और मिडल ऑफ द कोर्ट जो परफॉर्मेंस दोनों की बिल्कुल एक सी है। वहीं रैकेट की ग्रिप की बात करें तो G4 इस रैकेट की ग्रिप है, और अगर बात करें इसकी प्राइस की तो 1900 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ये रैकेट जो है आपको मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं रैकेट नंबर 3 की, और यहाँ पे जो रैकेट है ये इसने बहुत ही जल्दी जो है और रिसेंटली पॉपुलैरिटी गेन की है, और ये है लीनिंग टर्बो X92 या 92nd। तो दोस्तों बात करें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की तो ये रैकेट जो है 3U कैटेगरी का है, 87 ग्राम्स प्रिसाइज अगर हम कहें, बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ। और वहीं ग्रिप की बात करें तो ग्रिप जो है इसकी S1 S2 जो G2 रहती है आपकी योनिक्स या एपेक्स में, तो मतलब ये कि आप काफ़ी वैरायटी ऑफ ग्रिप्स जो हैं इस रैकेट में यूज़ कर सकते हैं। वहीं स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो 30 LBs तक की आप स्ट्रिंग टेंशन डाल सकते हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये रैकेट भी जो है इवनली बैलेंस्ड है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक के प्लेयर्स के लिए ये रैकेट जो है बहुत ही बढ़िया है। आपकी ग्रिप जो है वो पतली है, उसकी वजह से आपको हेड पे एक अलग सा हैवीनेस फील होती है, तो वो आपको स्मैशेस में जो है काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें अगर हम तो मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी इस रैकेट की है, तो मतलब ये कि अच्छी पावर जनरेट हो सकती है, और क्योंकि 3U कैटेगरी का रैकेट है तो थर्ड लाइन क्लियर करना जो है जो मेरी टेस्टिंग थी वो उस हिसाब से वो रैकेट बिल्कुल ठीक है। नेट के आसपास जो है इसकी अच्छी है गेम और मिडिल कोर्ट में भी, बट क्योंकि मीडियम फ्लेक्स है तो एक्यूरेसी थोड़ी सी मुझे जो है कम लगी। और वहीं बात करें हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो ये रैकेट काफ़ी ड्यूरेबल है इंटरमीडिएट लेवल के अगर रैकेट्स देखे जाए। और बात करें प्राइस की तो 1900-1800 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको ये रैकेट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको रैकेट मिल जाएगा। सो दोस्तों वी आर डाउन टू द वायर, एंड लास्ट के दो रैकेट्स हैं, और ये वाला जो है सेकंड रैकेट जो है वो है योनिक्स एस्ट्रॉक स्मैश।
जी हाँ, आप लोगों का काफ़ी फेवरेट रैकेट रह चुका है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल भी रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि रैकेट बहुत लाइट है, 73 ग्राम्स है सिर्फ, तो यंगस्टर्स एंथुजियास्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस रैकेट को लेने में। दूसरी एक बात है कि इस रैकेट की जो शाफ्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा स्लिम है, हेड हैवी है, तो इसका मतलब यह है कि जो स्लिम शाफ्ट है वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जिनकी बहुत फास्ट गेम है, रैलीज में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए रैकेट बहुत बढ़िया, स्पेसिफिकली डबल्स के लिए तो आँख बंद करके लिया जा सकता है। हालाँकि सिंगल्स में मैं समझता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ऑन एन एवरेज प्लेयर, क्योंकि थर्ड लाइन क्लियर मेनली जो है वो कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ी ज़्यादा ताकत और एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये तो रही परफॉर्मेंस की बात, कॉन्फ़िगरेशन की बात तो करना ही भूल गया। 73 ग्राम्स मैंने बताया बिना स्ट्रिंग और बेसिक ग्रिप के साथ। और बात करें अगर हम इसकी स्ट्रिंग टेंशन की, तो 28 LBs है, हेड हैवी है, 300 mm पे आपको जो है इसका बैलेंस मिल जाता है। और वहीं बात करें अगर हम इसकी प्राइसिंग की, तो रैकेट जो है वो शुरू हो जाता है 1900 या 2000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं रैकेट नंबर वन पे, लेकिन यहाँ पे दो रैकेट्स हैं और एक टाई है, रैकेट्स दोनों बहुत सिमिलर हैं। तो चलिए रैकेट नंबर वन का पहला रैकेट जो है उसके बारे में बात करें, और वो है योनिक्स नैनोरे 89 लाइट। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो थोड़ी कम जानकारी रखते हैं इस रैकेट के बारे में उनके लिए मेरा बताना ज़रूर बनता है। तो शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, और ये रैकेट कुछ 77 ग्राम्स के आसपास है, 5U कैटेगरी, G4 G5 ग्रिप आपको मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल है ये रैकेट, वहीं माइल्ड हेड हैवी है, और बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 300 mm पे बैलेंस पॉइंट माइल्ड हेड हैवी का है। और अगर स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो 30 LBs तक की स्ट्रिंग टेंशन जो है आपको इसमें मिल जाती है। तो बात करें इस रैकेट की परफॉर्मेंस की, तो आप जानते हैं रैकेट बहुत लाइट है, 77 ग्राम्स के आसपास है, तो इसमें आपका रिस्पॉन्स रिपल्शन इस रैकेट की बहुत ही अच्छी है, नेट के आसपास, मिडल ऑफ द कोर्ट, डिफेंसिव बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर आप थर्ड लाइन क्लियर से करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो यह है कि रैकेट जो है फ्लेक्सिबल है, दूसरा माइल्ड हेड हैवी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कैटेगरी में रैकेट की थोड़ी सी एक्यूरेसी अगर और थोड़ा सा हेड पे अगर बढ़ाते तो मेरे हिसाब से ये रैकेट एकदम कम्प्लीट पैकेज हो जाता। हालाँकि मैंने जैसे बताया कि जब आप खेलना शुरू करते हैं प्लेयर्स तो हैबिट पड़ जाती किस तरह से उसको यूज़ करना है और किस तरह से रिजल्ट निकालना है, तो उस तरह से अगर आप सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें प्राइस की, तो रैकेट 1600 रुपीज़ ऑनवर्ड शुरू हो जाता है, और वो मिल जाएगा आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप चाहें। और लेटेस्ट लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो है नीचे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ब्राउज और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फेवरेट रैकेट्स को। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवनपुरी, ये तो इंग्लिश में ही बोलूँगा ना। वहीं बात करें रैकेट्स की रैंकिंग की, तो समझ नहीं आ रहा, सेल्स और पॉपुलैरिटी ना। वहीं बात करें अगर हम रैकेट की पॉपुलैरिटी की, तो और सेल्स पे, अरे यार, तो अब हम आ गए हैं लास्ट रैकेट पे, और ये है रैकेट नंबर वन का सेकंड रैकेट जो है लीनिंग जीफोर्स 3600 सुपर लाइट। तो चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये रैकेट की वेट कैटेगरी जो है 78 ग्राम्स है, 5U कैटेगरी का ये रैकेट है। वहीं बात करें इसकी स्ट्रिंग टेंशन की, तो मैक्सिमम 32 LBs जो है ये स्ट्रिंग टेंशन ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्सिबल ये रैकेट है। वहीं बैलेंस पॉइंट जो है वो भी 300 mm हेड हैवी है, ये थोड़ा ज़्यादा हेड हैवी है योनिक्स नैनोरे 89 लाइट से। और वहीं अगर हम बात करें इसकी शाफ्ट की, तो रेगुलर शाफ्ट है इस रैकेट की। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ बोलना चाहूँगा कि रैकेट जो है मीडियम फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिवली 89 लाइट की, जो फ्लेक्सिबल है, और वहीं ये थोड़ा ज़्यादा हेड हैवी है कंपेयर टू 89 लाइट, तो ये मुझे थोड़ा मोर ऑफ अ कम्प्लीट पैकेज लगा नैनोरे 89 लाइट से। हालाँकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मार्जिनल डिफरेंस है, डिपेंड करता किस तरह से ये आपको सूट करता है। तो प्लेयर्स ज़्यादातर जो क्योंकि लाइट रैकेट है, तो डबल्स अगर आप खेलते हैं तो आँख बंद करके आप ये रैकेट ले सकते हैं, आपको हेड हैवी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स अगर आपके के लिए आप लेना चाहते हैं तो ये रैकेट जो है आपको सूट कर जाएगा। ध्यान रखिए थर्ड लाइन क्लियर के लिए, फिर से मैं बोलता हूँ राइट एफर्ट और राइट पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लीनिंग ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है ड्यूरेबिलिटी का, नैनोरे और इसमें कोई खास फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलरली ड्यूरेबल हैं। और प्राइसिंग की बात करें तो बहुत सिमिलर है, 1700 या 1800 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको मिल जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन।
और ये तो थे मेरे व्यूज़। आप कुछ अपने कमेंट्स हो, अपने एक्सपीरियंसेस हो, तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी सेहत रखिए, कोरोना से बची रहिए, और तब तक हैव अ ग्रेट डे।